सुंदरपाल की हुई हत्या के बाद आज पूर्व सांसद पप्पू यादव मृत युवक के परिजनों से मिले। फुलवारी शरीफ में युवक कुंदन पाल की हुई हत्या के बाद आज पूर्व सांसद पप्पू यादव मृत युवक के परिजनों से मिलने के लिए आवास पर पहुंचे। परिवारजनों की हिम्मत बढ़ाई। वहीं पूर्व सांसद ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। वहीं मृत युवक के लिए 20 लाख के मुआवजे और स्पीडी ट्रायल की भी मांग की। घर से मिले भैया, हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा मौत, एक दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चियों का बलात्कार, हर दिन शराब से मरने वालों की संख्या, हर दिन मौत ही मौत, और मौत का कोई कारण नहीं। मौत का कारण बस ना तो किसी का डर रहा ना खौफ। समाज भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जो समाज में अपराधी माफिया टाइप के लोग होते हैं, जाति के आधार पर समाज ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ये मेरे जात का दादा है, ऐसे लोगों को ही टिकट मिलेगा MLC का, MLA का, नगर पालिका का। ऐसे लोग ही ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे। करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके बालू का, शराब का, जमीन का, मकान का, लूट का, दूसरों को खत्म करने के बाद, और ऐसे लोगों को नेता और पार्टी ही कौन है? ये 47 चलाने वाला शंभू बंटू, ये कौन है? गबलू, ये कौन है? घबलू, ये कौन है? विधायक जी बलात्कार किए थे तब, इसके बीवी को दे दो टिकट। ये विधायक जी को बलात्कार किए थे, भागा हुआ है, एक ठो को सजा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी को टिकट पार्टी देगी? तो जब आप प्रोटेक्ट करेंगे बलात्कारियों की बीवी को, उसकी बेटी को, उसकी बहन को टिकट देंगे, तो कॉमन में आने वाला जो पीढ़ी है वो सोचता है कि क्यों नहीं हम भी बलात्कार करें, कुछ होना जाना तो है नहीं। हालात कितने बुरे हैं, कोई घर बचने आपको लग रहा है, उम्मीद है क्या? 6 बजे 7 बजे के बाद बेटी बहन निकल सकती है क्या? और सोसाइटी से पूछिए ना, एक दिन में हम 1200-1300 किलोमीटर सफर करके लाशी तो देखते हैं डेली, 48 घंटे के बाद भी हम न्याय के उम्मीद ना करें, खौफ पैदा कर दिया जाए, सारी परिवार की उम्मीदें समाप्त कर दी जाए, कम से कम इस परिवार को मुआवजा तो मिले 20 लाख रुपया। इसीलिए तो 24 तारीख को मैंने आर पार की लड़ाई की घोषणा, कहता है कि हमको शराब वाले 6 साल हो गया, तुम एक काम करो ना, प्रोटेक्ट करो, कानून हमारे हाथ में दे दो, 3 महीने के अंदर यदि शराब माफिया नष्टो नाबूद करके मिटा नहीं दें तो छोड़ देंगे बिहार, क्या करना है रह करके? आम आदमी की जिंदगी मुस्कुराई नहीं पाएगी तो जिंदा रह के क्या फायदा है? सर मट्टी में नहीं मिला देंगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।